सुशांत सिंह राजपूत के पीआर यानी कि श्रुति मोदी ने किया है एक बहुत बड़ा खुलासा सुशांत सिंह राजपूत को लेके। आइए जानते हैं कि अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में श्रुति ने क्या बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की टीम मैनेजर यानी कि उनकी पीआर श्रुति मोदी के बारे में, तो हाल ही में पुलिस को श्रुति मोदी ने बयान दिया है। श्रुति मोदी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। श्रुति मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का खुलासा किया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पास थे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जो सुशांत सिंह राजपूत करने वाले थे। पहले प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो उनका पहला प्रोजेक्ट था बहुत ही बड़ा वर्चुअल रियलिटी प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी। और इसके अगर हम बात करें तो ये एक गेमिंग कंपनी थी जिसको इस कंपनी में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला था और इसमें कुछ अनोखी यूनिक सी चीज़ें बनाई जाने वाली थी। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो ये हम सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को टेक्नोलॉजी से कितना प्यार है, फिजिक्स से वो कितना ज़्यादा प्यार करते थे, स्टार मून्स वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी और एस्ट्रोनॉट की जो दुनिया है उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इसी से रिलेटेड ये कंपनी थी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्ट कर चुके थे और एक बहुत ही बड़ा जो है इसे प्लेटफॉर्म देने वाले थे। तो वहीं पर अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिलेटेड टू कंट्री, मतलब ये प्रोजेक्ट जो था कुछ कंट्री से रिलेटेड था, जहाँ पर नेशनल इंडिया फॉर द वर्ल्ड, जहाँ पर उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि बहुत बड़े रैंक होल्डर थे, उन कॉलेज स्टूडेंट्स को इस कंपनी में जॉब देने के बाद उनसे मेड इन इंडिया का काम करवाने वाले थे, यानी कि जो चीज़ें बाहर देश से हमारे कंट्री में सप्लाई होती है उसे इंडिया में ही बनवाने वाले थे। ये काम तो सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छी तरीके से करने वाले थे क्योंकि हर एक एक्टर जानता है कि उनके देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उन्हें पता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब पाने के लिए। इसीलिए वो ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करना चाहते थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। अगर हम उनके तीसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो उनका तीसरा प्रोजेक्ट था ड्रीम 50, उनकी एक मूवी होने वाली थी जो कि रिलेटेड थी एक जीनियस स्टूडेंट से जो कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी डिस्टर्ब था, लेकिन वो इतना जीनियस था कि जो कि हर एक कंपटीशन को मात दे सकता था। इस मूवी पर काम कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत। तो ये 3 बड़े प्रोजेक्ट थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत अधूरा छोड़ के चले गए हैं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत की ये बड़े प्रोजेक्ट्स आपको कैसे लगे। अगर आज सुशांत सिंह राजपूत होते ये प्रोजेक्ट करते हुए देखने के लिए आप कितने ज्यादा खुश होते, अगर सुशांत सिंह राजपूत आज के टाइम पे ये प्रोजेक्ट करते तो आप कितने खुश होते, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।